नमस्कार दर्शकों, दिनेश पाराशर के साथ मैं आशीष शर्मा ब्रह्म पुष्कर न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तीर्थ नगरी पुष्कर अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप ने ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर पुष्कर एसडीएम सुखाराम पिंडेल, तहसीलदार रामेश्वर छाबा, ईओ अभिषेक गहलोत समेत विभिन्न विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। लेकिन बैठक में सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मा मंदिर के जीर्णोद्वार कराए जाने वाले कार्यों की अनुमति देने वाले पुरातत्व विभाग के अधिकारी बैठक में नहीं पहुँचे, जिस कारण अजमेर कलेक्टर अंशदीप ने आगामी दिनों तक एक और बैठक आयोजित कराने की बात कही। इसके बाद अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप ब्रह्मा मंदिर परिसर पहुंचकर मौका निरीक्षण किया और मंदिर की गौशाला व्यवस्थाएं देखी, गौशाला का जीर्णोद्वार करवाने हेतु अधिकारियों को कहा। वहीं एसडीएम सुखाराम पिंडेल और नगरपालिका चेयरमैन कमल पाठक, पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने मंदिर परिसर में पुराने पेड़ों की जड़ों से गर्भगृह क्षतिग्रस्त होने की बात की जानकारी देते हुए गर्भगृह और टूटी छतों समेत पूरे मंदिर में रंग रोशन करवाए जाने की बात कही। वहीं कलेक्टर को विकलांगों की सुविधा हेतु मंदिर में एस्केलेटर लगवाने की बात पर भी चर्चा हुई। आज देखिए, आज की बैठक का मूल उद्देश्य यह था कि अपना जो ब्रह्मा मंदिर है इसके अंदर कुछ कुछ जीर्णोद्धार की आवश्यकता है अलग अलग हिस्सों के अंदर। उस क्रम में आज बैठक की गई, तो आज एक राउंड भी लगाया गया है कि कहां कहां पर क्या क्या आवश्यकता है। परिसर के अंदर और परिसर के बाहर अलग अलग नियम है जिसके तहत पुरातत्व विभाग से हमारे को परमिशन मिलेगी। इस संबंध में पूरा का पूरा लिस्टिंग है वो करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं और आगामी आने वाले एक दो सप्ताह के अंदर हम एक दोबारा बैठक करेंगे, जिसमें एएसआई के लोगों को भी बुलाएंगे, स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी बुलाएंगे, ताकि जल्द से जल्द इसकी परमिशन मिल सके और हमारे यहाँ पर जो ब्रह्मा जी का मंदिर उसके अंदर यात्रियों के लिए और ज़्यादा सुविधा भी हो सके और हम चाहेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ब्रह्मा मंदिर के अंदर ऐसा ही। सर, एंट्री प्लाजा लंबे समय से बंद है, सर उस समय उसके अंदर देखिए एक लीगल केस फंसा हुआ है, उसके संबंध में भी जो परमिशन लेना है उस परमिशन की प्रक्रिया भी अगली बैठक के अंदर हम उसको चालू करवा लेंगे, ताकि वो जल्दी से जल्दी उसका परमिशन आ जाए और उसको भी हम आगे चालू करें।